अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड है, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि अब 2 महीने हो गए हैं, प्लीज़ अब हमें रिव्यू दें। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ वन ऑफ वेरी न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप में अगर आपको याद हो तो पहले दे वर हैविंग पोमीग्रेनेट की रेंज थी, पूरी रेड्स में होती थी। आई यूज़ टू यूज़ इट्स आई रोलर और उसका मैं नाइट क्रीम यूज़ करती थी, बट अब वो डिसकंटिन्यूड हो गई है। और अगर कोई वेबसाइट बेच रही है तो प्लीज़ बिलीव मी, वो पुरानी है पोमीग्रेनेट वाली रेंज। सो अब बॉडी शॉप ने उस रेंज को ख़त्म करने के बाद एक नई रेंज स्टार्ट की है विच इज़ कॉल्ड रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ लाइक दिस। इस तरह की एक पैकेजिंग इसकी इस तरह से है और ये फर्मिंग शेपिंग क्रीम है जो कि आप डे और नाइट दोनों में लगा सकते हैं, बट आई एम यूजिंग इट एट डे टाइम्स बिकॉज मैं नाइट में उसकी स्लीपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो फिर 2 क्रीम्स मैं यूज़ नहीं करती। सो दिस इज़ समथिंग आई यूज़ एज अ डे क्रीम। सो पहले तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग बताऊं, कागज़ का जैसे बॉडी शॉप के नॉर्मल होते हैं, और ये तकरीबन मैंने जनवरी में मंगवाया था अगर आप लोगों को याद हो। सो इट्स बीन 2 months, 2.5 months नाउ जो कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, 2 months, ऑलमोस्ट 2 months। एंड इस तरह की ये कागज़ का जो है इसका बॉक्स है, उसके बाद जो है ये एक ग्लास जार है इसका। एज़ यू ऑल नो बॉडी शॉप की तकरीबन तमाम ही जो इस तरह की क्रीम्स हैं वो ग्लास जार में आती हैं, और उसका ये ब्लैक कलर का कैप है और ये कोई मेटालिक सा उसके ऊपर उसका जो है वो क्रीम का नेम और सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। क्योंकि इसका नाम है रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसमें 3 डिफरेंट रूट्स यूज़ की गई हैं। नंबर 1 इज़ जिंजर फ्रॉम मडागास्कर, the second root is ginseng from China, and the third one is ruscus from Europe. ये 3 roots इस क्रीम में यूज़ की गई हैं। So don't think कि इसमें से ginger की स्मेल आएगी। मैं इसकी स्मेल के बारे में बताती हूँ। It is having such a refreshing kind of a skin, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की fragrance है। बहुत ही मज़े की इसमें से fragrance आती है। Believe me, आपको face पे लगाने के बाद बहुत refreshing feel होता है। सो इसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 ml है, और मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। इट वुड बी 3,500 और 4,000 इसी की रेंज में होगी, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस, या मैं इधर मेंशन कर दूँगी चेक करने के बाद। सो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगी। देखिए, जब मैंने फर्स्ट फ्यू डेज़ इसे यूज़ किया था, जैसे मैंने इसका लोशन यूज़ किया था, मुझे इस तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आया, बट आफ्टर 2 to 3 weeks मुझे फ़ील होने लगा कि मेरी स्किन में जो पोर्स थे वो बंद होना शुरू हुए, जो कि इससे पहले कभी किसी प्रोडक्ट से बंद नहीं हुए। एंड द पोर्स स्टार्टेड टू श्रिंक, एंड आपकी स्किन में मुझे बड़ा मीन्स बहुत एकदम, आपको मैंने कहा मिरेकल नहीं होते, आपकी स्किन बड़ी खूबसूरत नहीं हो जाती। खूबसूरत मीन्स वो बिल्कुल यंग साइड पे नहीं चली जाती, बट इसको यूज़ करने के बाद आई फील लाइक माई स्किन इज़ चेंजिंग नाउ। चेंज इस तरह हो रही है कि मुझे अपनी स्किन पे एक जैसे प्लम्पी होती है, और यू कैन से कि बड़ी बहुत मीन्स मुझे अपनी स्किन अच्छी लगने लगी आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। मैं डे टाइम में यूज़ करती हूँ, इसका लोशन भी यूज़ करती हूँ। द 2 things आर टू गुड। कंपैरेटिवली जो मैं इसका पोमीग्रेनेट वाली रेंज यूज़ कर रही थी, उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था फ्रेंकली स्पीकिंग। वो मैंने कई साल 2-3 साल यूज़ किया है नाइट क्रीम, बट इट वाज नॉट दैट गुड फ्रेंकली स्पीकिंग, इसलिए उसको डिसकन्टिन्यू कर दिया। नॉट जस्ट कि मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। तो इसको कंपेयर करूँ अगर मैं पोमीग्रेनेट की रेंज से, तो इट्स टू गुड। एक तो आपके पोर्स बंद होते हैं, दूसरे आपकी स्किन पे एक जो ग्लो है आता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी फील होती है आपको। दिस इज़ द प्रोडक्ट टू गो एंड बाय एंड इन्वेस्ट इन इट, और आपकी स्किन पे सीरियसली आपको बहुत अच्छी लगेगी। इट्स बीन 2.5 months नाउ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे अच्छा खासा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। हर सुबह मैं इसे यूज़ करती हूँ। पहले मैं इसे रात को भी यूज़ कर रही थी कुछ अर्सा, एंड देन आई वाज लाइक कि आई एम यूजिंग एक क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, आई शुड नॉट यूज़ इट एट नाइट। So it's been 2 months now almost. मैं इसे दिन रात को यूज़ करती हूँ and मुझे बहुत दिन में इसका fragrance, इसके results are too good, frankly speaking too good. So अगर आपको कोई अच्छी डे केयर क्रीम चाहिए, go for this one. Believe me, you are gonna love it. It's been 2 months now और ये यानी कि इतना ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ हुआ आप देख सकते हैं और ये कम से कम अब मेरे 6 months चलेगा. तो ये 8 months की क्रीम है और अगर आपको ये 4000 रुपीज़ की भी मिलती है. आई डोंट नो द प्राइस, सॉरी. एक्चुअली मैं प्राइसेस आपको पता है मैं भूल जाती हूँ, मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी इसकी प्राइस. लेकिन अगर ये क्रीम आपको 4500 की भी मिल रही है, 4000 की भी मिल रही है और अगर ये 8 महीने चल रही थी 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो आप आराम से देखिए. मैंने आप लोगों को कहा था कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं खरीदें, मैंने भी नहीं खरीदी. आप हर मंथ अपने स्किन के लिए, इफ़ यू हैव दैट बजट, आप अपने स्किन के लिए 5000 रखें कि मैंने 5000 रुपीज़ से एक आध चीज़ अपने लिए ज़रूर लेनी है या 2 चीज़ें लेनी है. बिलीव मी, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन्वेस्ट ऑन योर स्किन. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन योर स्किन इंस्टेड ऑफ ऑन मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं, आपको स्किन को ब्रीथ करने नहीं देते. सो इंस्टेड उसे यूज़ करने के आप अपनी स्किन पे अपने इन्वेस्ट करें और इस तरह की प्रोडक्ट्स लें जो कि आपकी स्किन के लिए बेस्ट हैं. उम्मीद है कि आपको आज का ये क्विक रिव्यू अच्छा लगा होगा क्योंकि इसकी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ कि मैंने किसी इसका रिव्यू नहीं दिया हुआ. तो वो तो अच्छा है कि मेरे जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि आपने उस चीज़ का रिव्यू नहीं दिया, प्लीज़ वो दे दें रिव्यू आपके पास है. सो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक महीने से तो मैं मैसेजेस रिसीव कर रही थी. बस मैंने उनको कहा था कि मैं 1 महीना यूज़ करने के बाद ही रिव्यू दूंगी. तो अभी उन्होंने मुझे बहुत सीरियसली दे वर आस्किंग मी लाइक एनीथिंग, प्लीज़ रिव्यू दे दें. सो आई एम गिविंग यू द रिव्यू. एंड एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. लेकिन ये है कि अभी मैं हर एक को लाइक मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि मेरे पास अपना जो है लैपटॉप नहीं होता है तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं मोबाइल से रिप्लाई नहीं करती ऑन यूट्यूब. सो मैं डेस्कटॉप पर करती हूँ. समटाइम्स आई एम आउटसाइड, लाइक कहीं बाहर होती हूँ या मैं जॉब पर होती हूँ, तो वो ये कि मैं रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है. हाँ, मेरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का पेज है. यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, इट इज़ माई कन्फेटी ऑन इंस्टाग्राम. आपको मैं डायरेक्टली मैसेज कर सकती हूँ. समटाइम्स ये होता है कि टाइपिंग से वो चीज़ मैं नहीं समझा सकती, जैसे मैं वॉइस नोट्स पे भिजवा देती हूँ और उससे दूसरों को समझ आती है. मेरे बहुत सारे जो है मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, दे आर आस्किंग फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. तो वही होता है कि टाइपिंग करने से समटाइम्स आप सीरियसली टाइपिंग, आपका वो एक्सेंट और वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अब यही चीज़ आप ब्लॉग में पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ इतनी जो है ना वो टेम्पटिंग नहीं लगेगी जैसे आपको वॉइस नोट लगता है. सो मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो प्लीज़ मुझे अगर आपने मैसेजेस करने होते हैं, हाँ आप इस पर तारीफ़ें कर सकते हैं या कोई चीज़ आपको बुरी लगी यू कैन राइट, बट ये कि मैं मैसेज आप लोगों को बोल देती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर कर दें ताकि मेरी वो आसानी होती है. सो उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा और अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक, subscribe and share my video with your friends and family and subscribe करना ना भूलिएगा and bell icon को press ज़रूर करें ताकि मैं जब भी कोई भी video upload करती हूँ तो आपको उसका फ़ौरन जो है वो notification मिल जाए. So see you इंशाल्लाह ताला in my next video. Till then do take very good care of yourself. Allah Hafiz.